अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तआवुन से बनने वाली रोड शाहरा कराकरम दुनिया का आठवां अजूबा मानी जाती है। यह खुद भी खूबसूरत है और दर्जनों खूबसूरत शहरों को चीन और दीगर दुनिया से मिलाती है, जिनमें से एक है एबटाबाद, जिसकी एक इलाका हवेली न सिर्फ सियाहती बल्कि तजारती लिहाज से सूबे को पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे सकता है। हवेली जिला एबटाबाद की एक तहसील है। हवेलियां पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक शहर है जो जिला एबटाबाद में वाकिया है। शाहरा कराकरम इस शहर के दरमियान से गुजरती है और इसको मुल्क भर से मुंसरिक कर देती है, जहां एक तरफ शाहरा कराकरम की अहमियत तो दूसरी तरफ इसकी तजवीराती अहमियत है। और यही वजह है यहां सी पोर्ट तो मौजूद ही, लेकिन चीन ने यहाँ ड्राई पोर्ट बनाने का फैसला किया। हवेली ड्राई पोर्ट न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के अहम तरीन ड्राई पोर्ट में से एक है, जो सी पैक के तहत जेरे तामीर है। अगर इसी पाकिस्तान में अहमियत की बात करें तो ये मंसूबा पेशावर से लाहौर और लाहौर से कराची तक मौजूदा रेलवे ट्रैक के अहयान और नवराज से इसे बेहतर बनाने के लिए मंसूबा ML1 से मुंसलिक है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के रूट पर कंटेनर्स कार्गो की तलब के तनाजुर में हवेलियां ड्राई पोर्ट को कलीदी हैसियत हासिल है। मंसूबे के तहत हवेलियों के मकाम पर पाए जाने वाले खुश्क गोदी में कार्गो हैंडलिंग की जदीद सहूलियात मुयसर की जाएंगी। इस गोदी को रेलवे से मुंसलिक किया जाएगा। इस वक्त हवेलियों तक पाकिस्तान रेलवे की पटरी मौजूद है और इस शहर में हवेलियां रेलवे स्टेशन भी वाकिया है। हवेली रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे का शुमाल में आखिरी स्टेशन है, लेकिन सी पैक के तहत ये आखिर तक नहीं रहेगा, क्योंकि इसे आगे भी रेलवे पटरी सी पैक के तहत बिछाई जा रही है जो खंजराब तक जाएगी। ये मकाम खंजराब में पाक चीन सरहद से तकरीबन 680 किलोमीटर के फासले पर वाकिया है। शाहरा कराकरम पर सफर करने वालों के लिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होगी। इसकी गोद में बड़ी मकदार में अशिया स्टॉक करने की जदीद सहूलियात मुयसर होंगी। दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों कराकरम और हमालिया को अबूर करती शाहरा कराकरम के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का आठवां अजूबा है और जोग्राफियाई हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है। ये शाहरा पाक फौज की सियाचिन जैसे अहम महाज का वाहिद सप्लाई लाइन है। इसके अलावा पाक चीन तजारत में एक मरकजी हैसियत रखने के साथ साथ गिलगित के सवेलियों को पाकिस्तान से मिलाने का वाहिद जरिया है। दरियाए सिंध, दरियाए गिलगित, दरियाए हुंजा, अताबाद झील, कई कदीम कुरंदा चट्टाने, कब्रिस्तान, यादगारें, नांगा पर्वत और राका कोशी की चोटियाँ, मोतदित ग्लेशियर्स और मुअल्लिक पुल इसके साथ साथ वाकिया है। यूं वो शाहरा दुनिया के इन रास्तों में से एक है जिनकी सियासी, मुआशरती और सकाफती अहमियत ज्यादा है। शाहरा कराकरम के मुश्किल पहाड़ी इलाके में बनाई गई, इसलिए इसे दुनिया का आठवां अजूबा कहा जाता है। यहाँ ये बात बताना बहुत जरूरी है कि शाहरा रेशम कराकरम में फर्क है। शाहरा रेशम वो तमाम रास्ते थे जो चीन से वसे एशिया के जरिए यूरोप तक रेशम की तजारत के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि शाहरा कराकरम वो सड़क या रास्ता है जो शाहरा रेशम के रास्तों के कुछ हिस्सों पर बनाई गई। यानी हवेलियां ड्राई पोर्ट दुनिया को मिलाने वाली अहम तरीन रास्तों पर बनाई गई। माजी में शाहरा रेशम पर सिर्फ अशिया जरूरत और खुर्दनोश खरीद व फरोख और नकलो हरकत ही नहीं होती थी, बल्कि इस तारीखी शहर में अफकार, नजरियात, असातीर, अकायद, अदब, आर्ट, जुबानों और सकाफतों के तासुल में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। किसी भी मुल्क में ड्राई पोर्ट ही तरक्की की जमानत होती है। पाकिस्तान में पहली बार ड्राई पोर्ट खुश्क गोदी 1973 में लाहौर में तामीर की गई। रेलवे ने खुश्क गोदी तामीर की जिम्मेदारी उठाई और 1990 तक 5 मजीद खुश्क गोदियां तामीर की गईं, जिनमें कराची 1974 में आई, कोयटा 1984 में, पेशावर 1986 में, मुल्तान 1988 और रावलपिंडी 1990 में शामिल हुई। रेलवे के इन 6 ड्राई पोर्ट्स के अलावा NLC और निजी इदारों के जेरे इंतजाम खुश्क गोदियां सियालकोट 1986 में आई, फैसलाबाद 1994 में, स्विस पाकिस्तान चीन सरहद NLC ठोकर न्यास बैंक टर्मिनल, NLC ड्राई पोर्ट कोयटा, प्रेम नगर ड्राई पोर्ट और सियालकोट कंटेनर्स शामिल हैं। बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान आने वाले सामान की अक्सरियत कराची और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों पर क्लियर करवाई जाती है। पाकिस्तान रेलवे की खस्ता हाली के बायस रेलवे के पास गुड्स ट्रेनें चलाने के लिए ना इंजन है और ना ही रैक्स, जिसकी वजह से दरामद कुनंदगान कराची में सामान पर ड्यूटी अदा करके लाहौर बजरिया ट्रक मंगवा लेते हैं, जिनसे सड़कें तबाह होती है और हर साल अरबों रुपए सड़कों की तामीर और मरम्मत पर जाया कर दिया जाता है। ड्राई पोर्ट्स की अपनी अहमियत एक अलग है, याद रखें इसे कमाई अलग है। लाहौर में इस वक्त लाहौर ड्राई पोर्ट, मुगलपुरा NLC ठोकर न्याज बेट, प्रेम नगर ड्राई पोर्ट,
वाहा ड्राई पोर्ट काम कर रही है, जबकि एयरपोर्ट पे एयर फ्रंट यूनिट, इसके अलावा है मार्च के तेल डिपोर्टर भी कस्टम ड्यूटी वसूल की जाती है। लाहौर कस्टम ऑप्टिमाइजेशन ने गुजशत माली साल के दौरान 73 अरब 52 करोड़ 63 लाख ड्यूटी इकट्ठी की गई, जबकि कस्टम रेवेन्यू ने गुजशत साल 30 अरब 14 करोड़ 87 लाख ड्यूटी की मद में इकट्ठे किए। चार माह में कस्टम ड्यूटी के मद में कस्टम ऑपरेजमेंट लाहौर ड्राई पोर्ट मुगलपुरा 1 अरब 84 करोड़, NLC ठोकर न्याज में 3 अरब 73 करोड़ रुपए, माश के ऑयल टर्मिनल से 89 करोड़ 58 लाख रुपए, प्रेम नगर ड्राई पोर्ट से 38 करोड़ 25 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। अब हम अंदाजा लगा लें हवेलिया शहर जो शाहराह कराकरम जैसी अहम रोड पर तामीर होगी कितना कमाएगी। इस ड्राई पोर्ट में बड़ी मकदार में अशिया स्टॉक करने की सहूलियात मुयसर होंगी, जबकि दरामदी और बरामदी माल की कंटेनर से उतराई और इन्हें दोबारा लादने के लिए खसूसी डॉक टर्मिनल्स बनाए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर हवेलिया ड्राई पोर्ट शाहराह कराकरम पे खुश्क गोदी और कार्गो टर्मिनल के तौर पर काम करेंगी, जिसके बाद इसे रेलवे के जजीर सहूलियात से रासा किया जाएगा, जिनमें रेलवे कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग जैसी सहूलियात शामिल होंगी। एक अंदाजे के मुताबिक मंसूबे पर तकरीबन $40 मिलियन की लागत आएगी और इसके जरिए इब्तदा में सालाना 2 मिलियन टन कार्गो की नकल व हमल मुमकिन हो सकेगी, जिसमें बाद में मजीद इजाफा होगा। इस मंसूबे में वजारत रेलवे का कलीदी किरदार है, जो चीन के मंसूबे सीपैक के तहत बनेगा। पाकिस्तान और चीन के दोस्ताना ताल्लुक पूरी दुनिया के लिए मिसाली है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ताल्लुक बुलंदियों की नई सतह पर पहुँच रहे हैं। ये ताल्लुक अब स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदल गए हैं। इसका फायदा बिलाशुबा दोनों 200 ममालिक के साथ साथ पूरे खत्ते को भी होगा। चीन पाकिस्तान के विजन मेड इन पाकिस्तान का मुतारिफ है, पाकिस्तान से खरीदो पाकिस्तान को बेचो, चीन की पॉलिसी है। सीपैक मंसूबों से जनूबी और वस्ती एशिया के 3 अरब आवाम को फायदा होगा, जबकि इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के जरिए बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की और खुशहाली की राह हमवार होगी। लाखों बलोच आवाम के लिए रोजगार के दरवाजे खुले होंगे। बलोचिस्तान में बड़ी बड़ी शाहराहों, बिजली घरों, गवादर बंदरगाह और एयरपोर्ट की तामीर से बलोचिस्तान मौशी और सनती मैदान में दूसरे मुल्कों दूसरे सूबों से भी आगे निकल जाएंगे। ये मंसूबा वतन अजीज के लिए सही मायनों में गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। चीन के लिए सीपैक मंसूबे की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि चीन की बेशर बैरूनी तजारत बहरी रास्तों के जरिए ही होती है, इसलिए चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के जरिए जमीनी और बहरी रास्ते ढूंढ रहा है। सीपैक इसकी बेहतरीन मिसाल है। ऐसे में सीपैक पर ड्राई पोर्ट्स बनाना बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये इलाका जमाना कदीम से ही ना सिर्फ कई तहजीबों का मरकज रहा, बल्कि हिंदुस्तान और वसी एशिया के दरमियान तिजारती गुजरगाह भी था। तिजारत के गर्ज से हिंदुस्तान जाने वाले काफिले यहाँ से होकर गुजरा करते थे। इलाका समंदर से काफी दूर होने के बायस शहर में हमेशा एक जदीद ड्राई पोर्ट की जरूरत महसूस करता। KPK में तजारत बढ़ाने के लिए और ड्राई पोर्ट की अहमियत के पेश नज़र पेशावर की ताजर बरादरी की जानिब से माजी में कई मरतबा हुकूमतों से जदीद ड्राई पोर्ट के क्याम का मुतालबा किया गया। नाज़रीन, आप हवेलिया ड्राई पोर्ट और इसकी अहमियत के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।